सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां पर उपभोक्ता को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब उसके बैंक खाते से लगभग 18,000 रुपए काट लिए गए। इतनी बड़ी रकम कटने के बाद पीड़ित बैंक पहुंचा और इस बात की जानकारी बैंक कर्मियों को दी, लेकिन बैंक से पीड़ित को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बैंक कर्मियों से बात करके पीड़ित पुलिस थाने भी गया, लेकिन वहां पर भी उसकी किसी ने नहीं सुनी। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित उपभोक्ता का वो बयान जिसमें उसने बैंक कर्मचारियों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कौन सा काम का है? क्या नाम है तुम्हारा? श्रीनिवास। कौन से काम के हो? गोविनी। क्या बात हो गई? ये बैंक में तो पैसा निकल गए। कितने पैसे निकल गए? 18,000। कब निकल गए? पाँच दो 1900। अच्छा, तुमने बैंक में जाया कही? कही। क्या कही मैनेजर ने? मैनेजर ने ना कही मेरी बैंक से नहीं निकल आज कहते आधार कार्ड से निकल आए। पुलिस थाने वाले क्या कही? पुलिस थाने वाले ने अरे बैंक में रिपोर्ट दो। अच्छा, बैंक वाला कहता है पुलिस पे दो? और क्या, बैंक वाला कहता है पुलिस पे दो। और पुलिस वाले? पुलिस वाले कहते हैं बैंक में दो रिपोर्ट। रिपोर्ट एक भी नहीं ले रहे? एक भी नहीं ले रहे। लोकसभा चुनाव में परमिशन और शिकायतों को लेकर प्रत्याशियों को अब इधर उधर भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, उससे ही समस्याओं का समाधान होगा। इसी के तहत यूपी के कासगंज में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र कुमार ने प्रशिक्षणकर्ताओं को इसकी जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस चुनाव के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप जारी किए गए हैं, जैसे सभी तरीके की जो परमिशन है वो सुविधा ऐप के माध्यम से होंगी। ईएमएस के लिए भी जो हमारी मशीनें हैं उनके लिए ईएमएस सॉफ्टवेयर जारी किया गया है। इसी तरीके से शिकायतों के लिए सी विजिल जो सॉफ्टवेयर है और ऐप है वो जारी किया गया है। तो इन्हीं सभी सॉफ्टवेयर के संबंध में हमारे जितने भी SDMs हैं और जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए आज एक यहाँ कार्यक्रम NIC में आयोजित किया गया था। इन ऐप को चलाने और इनको कैसे इन पे काम करना है इस संबंध में इन सभी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। कासगंज जिले में एक बिहार की प्रसूता की प्रसव के बाद मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने गंज डुंडवारा CSC पर तैनात महिला चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, वहीं आगामी जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है? हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा, एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। सर, ये हमारे भट्टे पे लीवर है और इनका क्या नाम है डिलीवरी केस था। ये सुबह हमने 8 बजे फोन किया था एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस पहुंची, उसके बाद 8 बजे ये वहां से भर्ती करा दिए गए गंडुनवाला हॉस्पिटल में भर्ती कराए। भर्ती कराने के बाद में ये डिलीवरी नॉर्मल हो गई थी लगभग 2 घंटे बाद में, 11 बजे के आसपास तकरीबन डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद में ये 2-3 घंटे उन्होंने रखा हॉस्पिटल में। उसके बाद इन लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया कि मुनीम जी ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं रेफ़र करना पड़ेगा। हमने क्या बात है कि ये दिक्कत ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग का मामला था, ब्लीडिंग नहीं बंद हुई, तो उन्होंने फिर लगभग 3 घंटे के बाद रेफ़र किया कासगंज के लिए। कासगंज रेफ़र करने के बाद में ये चाँड़ी वाले पुल पे आके लगभग एक्सपायर हो गई है, डेथ हो गई। किसकी लापरवाही? इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। अगर लापरवाही नहीं होती तो पहले से रेफ़र करना था उनको, या कोई बात थी तो पहले से कंफर्म करते हैं लोगों को। देश में भ्रष्टाचार का इस तरह बोलबाला है कि अब इस भ्रष्टाचार के आगे समाज सेवी भी आवाज़ उठाते उठाते थक चुके हैं। आलम यह है कि अब समाज सेवी और RTI कार्यकर्ता भी इस भ्रष्टाचार की नींव को तोड़ नहीं पा रहे हैं। मऊ जनपद में भी गांव का विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और इस भ्रष्टाचार के आगे अब समाज सेवी भी नतमस्तक हो चुके हैं। हमारे गांव के प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर के लगभग जो है कि करोड़ों से ऊपर जो है कि 2.25 करोड़ के लगभग जो है कि पैसा उतार करके बंदरबांट कर लिया गया है, जिसमें मुख्यतः नरेगा में जो है कि 97 लाख रुपया उतारा गया है। और पोखरी है जिसमें लालचंद पारसी के घर के बगल की पोखरी है
उसका रेंज है करीब 6 बीघा, लेकिन एक पैसे का काम नहीं हुआ है, 6 लाख रुपया उतार लिया गया है। गांव के पश्चिम तरफ है लीलवा की ताली, उस पर भी करीब 5.5 लाख रुपया उतारा गया है। ईंट भट्टे के बगल में पोखरा है, उस पर 6 लाख रुपया उतारा गया है। प्राइमरी पाठशाला शाहजहांपुर के बगल में पोखरा है, उस पर करीबन 5 लाख रुपया उतारा गया है। लखनुआ पोखरा जो कि पड़ता है शाहजहांपुर मऊजे में नियामतपुर बगली ग्राम सभा में, उस पर भी करीब 8 लाख रुपया उतारा गया है। केवल कागज में पैसा उतारा जाता है, धरातल पर कुछ होता नहीं है। और यही स्थिति सड़कों की भी है, जो कि पैसा उतार करके और जो है कि पूरा करके पूरा पैसा रख लिया गया है। और अगर अच्छे तरह से जांच की जाए तो करोड़ों का घोटाला। प्रधान जी कब्जा कहाँ किए हैं? ठीक ना, यहाँ से आपके माध्यम से हमें अवगत कराया गया, इसकी संबंध में पता भी किया। इसकी जांच प्रचलित है और DDAG इसके जांच अधिकारी हैं, वो पूर्व से जांच प्रचलित है और निश्चित रूप से जो जांच में तथ्य आएंगे उसके अकॉर्डिंग उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी सर, कार्रवाई तगड़ी की जाएगी। अगर उनका मतलब कार्य पद्धति ठीक नहीं है तो एक बार अगर RC कटी है तो फिर RC कटेगी और मनमानी चलने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के हसनपुर में हर साल की तरह इस साल भी होली मिलन कार्यक्रम नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों कर्मचारियों स्वच्छता प्रेरकों और चेयरमैन पति सहित समस्त सभासदों और नगर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। एक हमारे जितने भी वार्ड के जितने भी सभासद हैं और हमारे जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी थे, मुझसे कल हमारे मेरे पास कुछ कर्मचारी आए, इसमें कौशल, अमित और दीपक वगैरह थे, सब लोग। इन्होंने कहा कि साहब हम आपके से जो है कुछ ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम, बन के छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम रखो जिसमें सारे सभासद आएँ और सारा स्टाफ मौजूद हो और सब लोग आपस में मिलजुल के होली मनाएं। और इसी वजह से जो है आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है एक दिन पहले होली से, और पहली दफ़ा ही नगर पालिका में इस तरह का प्रोग्राम जो है वो हुआ है। सारे सभासद भी काफ़ी हमारे जितने भी हैं सब खुश हैं और तमाम स्टाफ भी। और ये देखिए, होली जो है कि ये रंगों का और खुशियों का त्यौहार है। मैं इसी के साथ पूरे देश को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और आप सब लोगों से जो है प्रार्थना करूँगा, मतलब गुजारिश करूँगा कि सब आपस में बहुत प्यार से और शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाए। और यहाँ खाने की व्यवस्था जितने हिंदू धर्म में होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाई जाती है होली और पौराणिक युग में क्या थी होली की मान्यता, आखिर कैसे प्रचलन में आया होली का त्यौहार, विस्तार से जानने के लिए सुनिए क्या कहते हैं सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार हरिद्वार राय। होली सौहार्दपूर्ण वातावरण मनाई जाए, होली का त्यौहार जो है वो असत्य पर सत्य की विजय, और हिरण्यकश्यप को आज के दिन होलिका को याद करते हैं, प्रहलाद को याद करते हैं, प्रहलाद अन्याय के खिलाफ लड़ा, आज अन्याय चातुर्दिक व्याप्त है, उसका मुकाबला करने की जरूरत है। होली पर कोई हुलड़ नहीं, हर्बल रंग, ऐसा रंग जो शरीर को कहीं भी नुकसान न पहुँचावे उस रंग का प्रयोग करें, किसी का कपड़ा न फाड़े। और जैसे त्यौहार मनाया जाए हंसी खुशी, किसी को भी पीड़ा न पहुँचे, और कभी भी साल भर में किसी को पीड़ा पहुँची हो उससे भी गले मिलने का काम यह त्यौहार बताता है कि सबके सुख दुख में आप भागी हो। यह त्यौहार बताता है फसलें तैयार हो, किसान सलम काटेगा ना तो उसकी सफलता हो, तो यह सफलता का भी सूचक है। एक तो अन्याय, अन्याय की विजय, और किसान के लिए यह बहुत खुशी का त्यौहार है। और सभी लोगों को जो जिले के दूसरे धर्म के लोग उनको भी इसमें हिंदू लोगों के इस त्यौहार में शरीक होना चाहिए और इसके महत्व को समझना चाहिए। यह अन्याय जहाँ कहीं हो सबके लिए, धरती पर कहीं अन्याय हो रहा तो बहुत प्रहलाद के रूप में काम होता है, होलिका का दहन होता है, क्यों वो हिरण्यकश्यप के कहने के अनुसार चल रहे हैं। और उनका मानना था कि नहीं, कंकड़ में भगवान नहीं विद्यमान, वो दिखाया गया कि नहीं, कंकड़ में भगवान विद्यमान है। होलिका का दुपट्टा जो है उड़ गया, प्रहलाद जो है मुश्किल, यह याद किया जाता है। इस नाते इस त्यौहार पर हम सभी लोगों को, पूरे जिले के लोगों को और प्रशासनिक अमला को भी जनता से सौहार्दपूर्ण व्यवहार,
तभी सवाल पूर्ण करे और प्रशासनिक अमला में, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व नजदीक आ गया, इसमें बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। अभी आज DGP का वो मैसेज पास किया है कि सभी लोग चौकन्ना रहे, चौकन्ना इन देंस कि मैंने कोई इसके आड़ में गड़बड़ न कर दिया, इसको भी ध्यान रखना है। सभी चैतन्य नागरिक चैतन्य रहे, त्यौहार को खुशी से मनाओ और शालीनता का त्यौहार, कहीं से भी किसी को पीड़ा न पहुँचे। जिस जनपद में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर के आदेशों को धज्जियां उड़ाने में उसके अधीनस्थ कर्मचारी ही लगे हों, तो भला ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को जिला प्रशासन कैसे सकुशल संपन्न करा पाएगा? मामला मऊ जनपद के अधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के आदेशों से जुड़ा है, जिसमें जिलाधिकारी ने पिछले दिनों आचार संहिता लगाए जाने के बाद पत्रकार वार्ता कर बताया था कि जनपद के सभी तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों से चुनाव प्रचार में लगे बैनर पोस्टर के साथ प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के लगे लुभावने पोस्टर बैनर को हटाया जा रहा है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी ब्लॉक एवं तहसील मुख्यालय में लगे विद्युत विभाग द्वारा चलाए गए सौभाग्य योजना के बोर्ड, जिसमें प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के फोटो लगे बैनर पोस्टर को नहीं उतारा जा सका। हाँ, हमें पता लगा है कि सौभाग्यती योजना के बहुत से बोर्ड जिसमें योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के फोटो लगे हुए हैं, बिल्कुल ये चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर हमारे जिलाधिकारी को और चुनाव आयोग को इस पर नोटिस लेना चाहिए कि यहाँ से ये बोर्ड हटावें। उसके अलावा हमने सुना था कि रेलवे स्टेशन पर भी लगे हुए हैं, बहरहाल जो हाईवे पे लगे हुए हैं इनको तुरंत हटवाएं। उसके अलावा निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता इसमें प्रचलन में है। हम लोगों ने प्रायः हर जगह से इस तरह की चीज़ों को रिमूव कर दिया है जो पार्टी या किसी पॉलिटिकल सिंबल को एक्सपोज करते हैं, तो निष्पक्ष रूप से इस तरह की प्रक्रिया प्रचलित है और जहाँ कहीं अवशेष होगा इस तरह की चीज़ें उसको हम लोग यथाशीघ्र संपन्न कर लेंगे। ऐसा कोई भी मार्किंग होगी उसको हम लोग हटा देंगे, उसको रिमूव करेंगे। मात्र जो भी दिशा निर्देश हैं कि किसी भी योजना में जहाँ किसी का नाम आता है या फोटो, तो नाम या फोटो प्रतिबंधित है, प्रधानमंत्री सड़क योजना वो प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन अगर फोटो है तो फोटो है। सर, सौभाग्य योजना में पूरे जनपद में पूरे देश में बोर्ड लगाया गया जिसमें मोदी जी और योगी जी का फोटो है, वो फोटो हटाएंगे, वो सारे फोटो आप लोग हटेंगे? बिल्कुल हटाएंगे। और मेरठ के मोहनपुरी नेहरू नगर में स्थित भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा संगठन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री राहत कार ताई के नेतृत्व में महिलाओं के प्रति होने वाले सभी तथ्यों पर चर्चा की गई और आगामी चुनाव 2019 लोकसभा में महिलाओं के संगठन को मजबूत करने का भी कार्य करने की बात कही। आज मेरठ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है और इसके लिए आज मेरा यहाँ पर आना हुआ है। 2019 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा संपूर्णतः सज्ज हो गया है। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इस सरकार का ये वैशिष्ट्य है कि सभी महिलाओं को केंद्र स्थान में रखी हुई नीतियों को हमने अपनाया है और उसी तरह से हमने महिलाओं के लिए अनेक अनेक योजनाएं भी हमने बनाई है, चाहे बेटी बचाओ, उसके साथ साथ शौचालय की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, अनेक अनेक महिलाओं के लिए किए गए बिल, जिसमें से मैं विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ कि पॉक्सो कानून में आए हुए बहुत बड़े बदलाव, ट्रिपल तलाक, ऐसे अनेक अनेक बिल और अनेक अनेक निर्णय, और उसी के साथ साथ चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, महिला हो, किसान हो या युवा हो, इन सभी के लिए की हुई महत्वपूर्ण भागीदारी और उनके लिए किए गए काम, इसके बलबूते पे हम 2019 का चुनाव लड़ने के लिए सज्ज हो गए हैं। इसके लिए महिला मोर्चा संपूर्णता सज्ज है और केंद्र से लेके बूथ तक हमारी महिला कार्यकर्ता अभी काम कर रही है। महिला मोर्चा ने खुद ने अपने बहुत कार्यक्रम किए हैं, जिसमें से जो उज्ज्वला की चाय, उज्ज्वला की रसोई, जो लाभार्थियों के सम्मेलन हो रहे हैं इस तरह से, उसी के साथ तो सब हो चुका है। महिला मोर्चा की जो ये आज है बूथ सम्मेलन हो रहा है, ये चुनाव के मद्देनजर है? ऐसी बात है, चुनाव सामने है तो चुनाव के लिए काम करेंगे, पर हमने 5 साल
हमारे सरकार ने और 5 साल उसके पहले भी हमारे पार्टी ने संगठन के रूप से सभी लोगों को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप में हम इस चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कितनी महिलाएं चुनाव लड़ने जा रही हैं इस बार? महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी है जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी खैर कैंडिडेट की लिस्ट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग उम्मीद करती हैं कि महिलाओं को टिकट मिलेगा? आप बिल्कुल अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि महिलाओं को अच्छी खासी भागीदारी मिलेगी, महिलाओं को टिकट भी मिल जाएगा। इसके पहले भी हमारा इतिहास है, देश की हम एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी ने महिला सांसद सबसे ज़्यादा चुनकर लाए हैं, तो स्वाभाविक रूप में उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, उसी तरह से महिलाओं को बढ़ावा देंगे। कांग्रेस तो अपने टिकट भी फाइनलाइज नहीं कर पा रही है, अभी कुछ दिन अभी परसों डॉक्टर ओपी शर्मा का टिकट फाइनलाइज हुआ और फिर कल से चेंज हो गया, तो ये जो चेंज है कांग्रेस जो है कन्फ्यूजन में है, इसके लिए क्या कहेंगे? खासतौर से मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के लिए। देखो मैं इतना ही कहूंगी कि वो उनका अपना अंतर्गत मामला है, हम लोग बहुत बढ़िया चल रहे हैं, हम अपने ऊपर हम ध्यान रख रहे हैं। प्रियंका गांधी को भी अब गंगा मैया ने बुला लिया है और वो बनारस पहुंच रही हैं, तो गंगा मैया सबकी है? गंगा मैया जरूर सबकी है, पर दूसरी साथ ये भी बात है कि आप कब आते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो आपकी पार्टी का सवाल है, वो उसमें हम नहीं बोलेंगे, पर आप कौन से समय पे आए हैं? सालों साल इस देश को जरूरत थी काम करने के लिए, फिर तब क्यों नहीं आए? आज जब चुनाव आया है तब आप सामने आते हो, तो स्वाभाविक रूप में आपके और आपके पार्टी की भी नीतियों के बारे में पता चलता है कि जब चुनाव सामने होता है तभी आप आते हो, बाकी दिन आप जनता को भूल जाते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि चौकीदार अमीरों का होता है, गरीबों का नहीं, तो ये पे क्या रिएक्शन है? मैं इतना ही कहूंगी अब उनके लिए कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, इतने साल उनकी सरकार थी तब उन्होंने कभी कुछ काम नहीं किया, थोड़ी भी कुछ काम नहीं की है, काम करने के लिए आपके पास है क्या? मुद्दे ही नहीं है, आपने किया नहीं है, आपके पास कोई अच्छी नीति है ना कोई नीयत है, तो आप और क्या बोलोगे? हमारे देश में तो चौकीदार हर एक है, जो डॉक्टर है वो चौकीदार है स्वास्थ्य का, जो महिला है जो गृहिणी है वो चौकीदार है अपने देश प्रेम की और अपने देश में सभी चीज़ें ठीक चल रही है ना वो देखने के लिए, और उसी के साथ साथ ऐसी भी अनेक अनेक बहनें हैं जो हर एक क्षेत्र में क्लीनिनेस के लिए चौकीदार हो सकती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चौकीदार हो सकती है, तो वो हर एक व्यक्ति यहाँ का चौकीदार है, आपने भी होना चाहिए। चौकीदार ही उद्धार करेगा? बिल्कुल करेगा, वो प्रधान सेवक है वो चौकीदार है, और चौकन्ना रहते हुए पूरे देश भर में काम कर रहा है, 5 साल उन्होंने अपना योगदान भी दिया है, तो हम बिल्कुल बढ़िया चलेंगे। मैंने इतना ही कहा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश में बहनों को अच्छे तरीके से टिकट देंगे, कोई एक जगह का बोलना। मेरठ पुलिस ने होली पर्व के मद्देनजर कल रात फ्लैग मार्च निकाला, होली को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है, कल दिन भर महानगर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा रही, होली के मद्देनजर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस के अलावा आरएएफ और पीएससी तैनात की गई। इंस्पेक्टर राजेश बाल्मीकि, कितने सेक्टर में बांटा गया, कितनी फोर्स लगाई? हम लोग यहाँ पर एक कंपनी आए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और इसके अलावा जो भी हमें ड्यूटियाँ दी जा रही हैं उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। ये फ्लैग मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला जाएगा? ये फ्लैग मार्च हमारा निकला है सूरज कुंड से लेके लास्ट जो बताया गया है हमें, ठीक है, वहाँ तक जा रहे हैं। अभी कितनी देर और चलेगा? अभी ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे और चलेगा, लगभग 7 से 7:30 बजे तक चलेगा। हाँ, काफ़ी फोर्सें बुलाई गई हैं, जैसे CRPF है, RASSP है। जी 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 जी। कितने ड्रोन कैमरे लगाए गए मेरठ के? मेरठ के इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि हमें इसके बारे में बताया भी नहीं गया है। मेरठ में आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है, टीम ने चेकिंग के दौरान लाखों की कीमत की लगभग 800 पेटियां अवैध शराब बरामद की है, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। शराब का इस्तेमाल चुनाव और होली के त्योहार में होना था। लोकसभा चुनाव में लगातार शराब पकड़ी जा रही है, ऐसे में क्या मान के चले कि चुनाव के लिए ही शराब कर रहे हैं? चुनाव के साथ साथ होली का त्यौहार भी है परसों, इसलिए जो है तस्करी बढ़ रही है, इसको रोकथाम के लिए हमारी जगह जगह चेक पोस्टें भी हैं, जिले की टीम भी जगह जगह चेकिंग कर रही है, दबिश का काम भी क्षेत्र में जारी है, हम लोग रोकथाम का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुल कितनी पेटियां बरामद हुई हैं आज?
पेटियों की संख्या तो अभी गिनी जा रही है, लगभग लग रहा है कि 60 लाख रुपए की शराब होगी। सर कल टीपी नगर थाने में भी कुछ पेटियां पकड़ी गई हैं। हाँ, कल 20 पेटी टीपी नगर में सोनिया के घर से बरामद हुई है, और उसमें भी जो है वो महिला थी, वो भाग गई थी। सर क्या माना गया, इलेक्शन के लिए लाई जा रही है? हाँ, इलेक्शन में तो आ ही रही है और होली के लिए भी आ रही है। सर कितने लोग अभी तक इसमें तस्करी में अरेस्ट हुए हैं? हमारे यहाँ अब तक ये लगभग 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और लगभग कल तक 1000 लीटर के आसपास शराब बरामद हुई थी। आज ये बड़ी बरामदगी हुई है, ये ज्यादा शराब है। यूपी के सिद्धार्थनगर की बात करते हैं, जहां पर पुलिस ने होली के त्योहार के मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। जबलपुर में आज रंगों के त्योहार होली को कुछ इस प्रकार से मनाया, जो कि आज के समय में बहुत ही सूझबूझ और समझदारी का काम है। ऐसे ही आज महिलाओं ने इकट्ठे होकर फूलों और गुलाल की होली खेली, और साथ ही साथ एक संदेश देते हुए कहा कि जिस तरीके से शहर में पानी की कमी हो रही है, उसको देखते हुए होली के दिन पानी का प्रयोग ना करें, पानी बचाए, ताकि जहां कहीं भी पानी की कमी हो रही है वहां पर पानी पहुंच सके, क्योंकि जल है तो कल है। हम लोग पानी की व्यवस्था देते हैं ना, जब होते हैं बह रहा है, क्योंकि ये फ्री में उपलब्ध है। लोग दूध कभी नहीं किसी को देते, लेकिन पानी तरह से करते हैं। और होली में तो खकर हमने देखा कि पहले तो होली खेलेंगे, फिर अपने आपको धोने के लिए भी पानी करेंगे, इसलिए सूखा सूखा खेलो। आज हमको पता नहीं कि जो प्रदूषण, जो हमको पता कि पानी का नीचे दर्द गिर रहा है, हमें ये होना चाहिए कि पानी बचाएं, और अपने बच्चों को ये समझ जाए कि पानी लेना। जी मैम, आज का जो प्रोग्राम था उसमें क्या खास रहा? मैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा, नई सोच हमारी कल्पना महिला सेवा संगठन से। हमारे संगठन का आज होली महोत्सव हुआ, जो कि एक संदेश के साथ में हमने अपना महोत्सव मनाया, वो ये कि पानी बचाओ, क्योंकि होली में हम लोग का बहुत सारा पानी वेस्ट होता है, ख़राब होता है, और पानी की एक एक बूंद की बहुत कीमत है। जल है तो कल है, बस इसी उद्देश्य को लेते हुए हमने होली का महोत्सव मनाया, और बहुत धूमधाम से होली का महोत्सव मनाया। किस चीज़ से आपने ये महोत्सव मनाया है, इसमें क्या उपयोग रहा है, किस चीज़ का उपयोग रहा? हम लोगों ने इसमें बिल्कुल भी रंगों का और पानी का उपयोग नहीं किया, हम लोगों ने इसमें केवल गुलाल का टीका लगाया, और खूब ज़्यादा फूलों के साथ होली खेली हम लोगों ने। फूल एक दूसरे पर बरसाए, और ढोल डमा हुए साथ में डांस किया, और हमारा मेन जो थीम थी वो होली नमूना, तो सब नमूने बन के आए थे, क्योंकि होली में तो यही सब कुछ होता है, तो सब अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से नमूने बन के आए थे, यही हमारा इसकी थीम थी आज की। होली का त्यौहार और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जबलपुर के नए पुलिस अधीक्षक ने कल रात जिले के सभी थाना प्रभारियों, DSP और एडिशनल SP अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने जिले में होली के त्यौहार में किसी भी प्रकार का तनाव और अपराध ना हो, इसके सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। जी भैया, ये जो मीटिंग आज की जो बैठक अभी हमने बैठक करी है, उसमें हमने सभी अपने पूरे जबलपुर जिले के जो थाना प्रभारी और DSP और एडिशनल SP के अधिकारी हैं, सभी को बुलाया था, और इसमें होली के जो इंतजाम लगने वाला है अगले 3 दिन के लिए, उस पर चर्चा हुई है, और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर बात हुई है। अगली खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां पर बिलारी में SP देहात ने वृद्ध आश्रम पहुंचकर वृद्धों के साथ मिलकर खुशियां बांटी। इस दौरान उन्होंने वृद्ध लोगों को उपहार भी दिए, इसके साथ ही मिठाई का भी वितरण किया। हमारे ये जो यहां पे अपने परिवारों से अलग रह रहे हैं और वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनके साथ हम अपनी खुशियों को बांटने के लिए हमारी थाना पुलिस, हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनका आने वाला जीवन भविष्य का उल्लास और उमंग से परिपूर्ण हो, और जो हम लोग सहयोग कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता में, उस प्रकार का हम इनको भविष्य में भावनात्मक सपोर्ट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बना रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN News। तब तक के लिए नमस्कार।